अमझरा थाना अंतर्गत केसवी चौकी के पास ग्राम हाथीपावा में घर के बाहर सो रहे परिवार पर तेंदुए के हमले से एक 8 वर्षीय बालिका की मौत हो गई है। पूरा घटनाक्रम पर केसवी चौकी के ग्राम हाथीपावा का है, जहां घर के बाहर सो रहे परिवार के बीच 8 वर्षीय बालिका हजारी पिता मुकेश भील को तेंदुए ने गर्दन से उसे पकड़ दिया। इस दौरान बालिका के हरकत पर परिजन जाग आए और चिल्लाने एवं तेंदुए को भगाने के प्रयास किए, जिसमें शोर शराबे से तेंदुआ घायल बालिका को वहीं पर छोड़कर भाग गया। वहीं 8 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने अमझेरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना पर वन विभाग सहित पुलिस दल और क्षेत्रीय लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। उक्त घटना के बाद वन विभाग अमला तेंदुए की धर पकड़ एवं जांच में जुट गया है। मृतक बालिका का शव अमझेरा के शासकीय अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका पोस्टमार्टम किया गया है। ज्ञात रहे कि कुछ माह पूर्व भी इसी क्षेत्र में एक अबोध बालिका को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया था। इसके बाद वन विभाग ने इंदौर के रेस्क्यू दल के माध्यम से उसे पकड़कर इंदौर ले जाया गया था। वहीं आज फिर घटी इस घटना से लॉकडाउन के इस दौर में ग्रामीणों में भय फैल गया है। रात में आया एकदम से, मतलब बच्ची को पकड़ा, जैसे ही लेके भगने लगा तो एकदम उठ के चिल्लाने लगे हम, तो जैसे ही छोड़ के एकदम नाला में उतर गया वो। हाँ, जैसा था शेर शेर था। हाँ, और कौन कौन सो रहा था वहाँ पास साथ में? मैं और मेरी मम्मी, मेरे घर वाली और मेरी भाभी और मेरे भाई के लड़के लड़की सब सोए हुए थे। हाँ, तो बाहर क्यों सोए थे तुम? अभी मकान हवा चली थी तो मकान गिर गया था, तो अभी दूसरा नया बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, उसके तो लिए फिर आप वो जैसे उसमें तेंदुए ने पकड़ा बालिका का, तो वो क्या वही मार दिया था उसको? हाँ, वही मार दिया था। तुम सब लोगों ने वहाँ? हाँ, उठा के फिर लाए वहाँ। अच्छा, तुम्हारा कुछ शोर शराबा हुआ होगा कुछ? हाँ, चिल्लाए बहुत तब छोड़ के भगा, हो नहीं तो लेके जा रहा था। रात्रि 3 बजे घटना है ग्राम हाथीपावा की। या घर के बाहर सोए थे कि किसी जंगली जानवर तेंदुआ या शेर जैसा बता रहे हैं, जो उठा के ले जा रहा था, जागने पर वो छोड़कर भाग गया, जिससे उसकी हुई मृत्यु हो गई, जिसके तेंदुआ द्वारा गले में मुंह दबाने से उसके गले में चोट। अभी अभी पुलिस द्वारा क्या अभी मर कायम किया गया है? क्या मर कायम करके जांच में लिया गया, जिसका पीएम करवा रहे हैं। क्या बालिका का पूरा नाम क्या था? हजारी पिता मुकेश, अजनार भील, उम्र 8 वर्ष। वनग्राम हाथीपाव की घटना है। यहाँ पे हाथीपाव ग्राम में अपने घर के बाहर खटिया पे अपनी माँ के साथ एक बच्ची सोई थी, हजारी नाम था बच्ची का, 8 साल की बच्ची थी। रात में 3:30 बजे करीब तेंदुआ आकर बच्ची को उठा कर ले गया। बच्ची की आहट से उसकी माँ पास हुई थी, वो जगी और चिल्लाई। परिवार के लोग भी आसपास हुए थे, वो दौड़कर दौड़ते से देखा तेंदुआ भागते हुए, पीछा करा तो तेंदुआ उस बच्ची को छोड़ के भाग गया। ये लोग उठाकर बच्ची को वापस घर लाए, कुछ समय बाद बच्ची जो है शांत हो गई और इन लोगों ने हमको सूचना दी। हम स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, तब तक बच्ची शांत हो चुकी थी। पुलिस भी मौके पर आई थी। और सर, जैसे कि पूर्व में भी अभी करीब 1-1.5 महीने पहले ऐसी घटना हुई थी और ये वापस हुई, तो इस तरह से वन विभाग इस घटना को किस तरह से देख रहा है और क्या सुरक्षा के इंतजाम? घटना हुई थी तो उस समय एक तेंदुआ ने खाया था, उसको पिंजरा लगा के पकड़वा कर बाहर उसको नेशनल पार्क में छुड़वाया गया, और ऐसी कोई दूसरे जानवर के होने की खबर नहीं थी। अब जानवर है जंगल में, कहीं भी घूमते रहते हैं, और फिर से यदि कोई घटना हुई तो तेंदुए को हम पकड़ लेंगे।